जब भूख लगती है तो रोटी की मांग होती है और जब प्यास लगती है तो पानी की मांग। उसी तरह जब किसी राज्य में, देश में लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो वहाँ के लोग आंदोलन करते हैं। मिथिलावासी वर्षों से पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। यहाँ की मूलभूत समस्या गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, बाढ़ आदि हमेशा से रही है। अपने लोगों और पृथक मिथिला राज्य की मांग को लेकर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति द्वारा भारत की राजधानी के जंतर मंतर पर दिनांक 31 जनवरी 2023 को धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध भी किया गया। देखते हैं। अधिकार चाहिए, हमें मिथिला राज्य चाहिए। माँ मैथिली के रक्षा खातिर मिथिला राज्य के मांग करूं, माँ मैथिली के रक्षा खातिर मिथिला राज्य के मांग करूं, एकजुट भा सब मैथिल गण रौद्र रूप धरो, एकजुट भा सब मैथिल गण रौद्र रूप धरो, माँ मैथिली के रक्षा खातिर मिथिला राज्य के मांग करूं। हमने ने सब गोटे पत्रकार लोकन से निवेदन सुने, 22 भाषा जो संवैधानिक भाषा है तई भाषा के हमरा सब के बिहार सरकार बीपीएससी से निकाल दिल। बीपीएससी हाय 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 हाय, बीपीएससी का चेयरमैन इस्तीफा कराओ कराओ। राज्य के लेल हम अपना भाषा के लेल आंदोलन नहीं करे छी। अंग्रेज कहला जे मुगल देश में स्थापित किया नहीं भा सकल, मुगल हमरा संस्कृति के नहीं खत्म कला। मिथिला राज्य को बनाने के लिए हम सारे कृत संकल्प है। लोग जो पलायन छे, पलायन 1970 से पहले बिहार में पलायन नहीं चले, खास कर मिथिलांचल में। तीन के बाद से मिथिला राज्य की मांग करने लगे। अब भारत सरकार कहती है कि हम राज्य के नाम, राज्य भाषा के नाम पे नहीं दे सकते। संकल्प हो ध्यान में, अपने सब आपस में जो छे से झूठ मूठ के बहस नहीं करी, कि एक जो छे से पवित्र पावन और माँ मिथिला के आंदोलन छे, बस इतनी आग्रह। तो राज्य बनने पर हमारा पास कोर्स कत से है, शायद इस विषय में अग्रज उदय शंकर बाबू, आदरणीय बिजुकांत बाबू छत यहाँ के ऐसे पहले ही बता। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।